सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम, नमस्कार। मैं आपका लाला ठक्कर, मारुति कृपा अनार मार्केट जीवाणा। आप सभी को हर्ष और उल्लास के साथ में ये घोषित करता हूँ कि मैं 13/12/2022 को पुनः एक बार आपके जीवाणा प्रदेश में अपनी मंडी शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे आप सभी का साथ, सरकार और प्यार जैसा पिछले वर्ष मिला था, उसी प्रकार इस वर्ष भी मिलेगा, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। और अपनी मंडी में सभी किसान भाइयों को अपने माल का उचित भाव, दूसरा कोई चार्ज नहीं है, अपनी मंडी में कोई एंट्री फी नहीं है, टोकन सिस्टम, ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ये मंडी है, अनार की मंडी है, तो इसमें ऐसा कोई टोकन सिस्टम वगैरह नहीं होता है, तो कोई टोकन सिस्टम वगैरह नहीं होगा। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि सभी किसान भाई रात को माल लेके आना, ठंड में रहना, ये कितना उचित है। तो मैं सभी से ये कोशिश करने को कहूंगा कि आप लोग उसी दिन माल लाइए, उसी दिन आपके माल का मूल्यांकन होगा। इतनी पर्याप्त हमारे पास जगह है कि आप सवेरे भी आ जाओ तो आपका माल रुक सकता है। उसके लिए आपको रात भर यहाँ पर आए किसान, कोई व्यवस्था नहीं, ठंड है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आपके समय पर आना है और मंडी में आपके मालों का उपयुक्त भाव आपको मिलेगा। आपको मारुति कृपा अनार मार्केट में उनके माल का उचित माल के अनुसार पूरी तरह से भाव दिया जाएगा। हमारे पास किसानों के लिए हर तरह का माल का ग्राहक है, आप नीचे से लेकर के ऊपर तक हर चीज का आपको ग्राहक मिलेगा। और कभी भी किसानों के माल का ये नहीं है कि ये माल नहीं बिका जाएगा, हर माल मारुति कृपा अनार मार्केट में लिया जाएगा। और वैशिष्ट्य कि किसानों को उनके माल का तुरंत भुगतान आरटीजीएस या कैश, ये दोनों में से एक विकल्पों में से उनको दिया जाएगा। तो मैं फिर पुनश्च एक बार सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि अपना माल मारुति अनार मार्केट में ला करके हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और यहाँ कोई ऐसा कोई ये सिस्टम नहीं है कि आना है फिर क्रेटो में माल लिया जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको जो ठीक लगता है वो मेरा सिस्टम है। ट्रॉली में मैं खुद ट्रॉली में बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, तो जैसा आप लाओगे वैसा मुझे बेचना है, ठीक है ना। जब आप साल भर माल पकाते हो ना, तब हम कोई नहीं कहते कि ऐसा माल पकाना है वैसा माल पकाना है, तो फिर बेचते वक्त हमको वो अधिकार नहीं है कि हम किसान भाइयों को ये कहें कि इस तरह से माल बेचना है, उस तरह से बेचना होगा, ये बोलने का मुझे लगता है मुझे कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए किसान भाई जिस भी प्रकार अपना माल लेके आना चाहते हैं, मारुति कृपा अनार मार्केट उनका उसी तरह से स्वागत और उनके मालों का मूल्यांकन उसी तरह से किया जाएगा। और बाकी तो मेरा नंबर इसके ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखता ही होगा, आप बिल्कुल भी आपकी कोई भी दुविधा के लिए मुझे कभी भी आप फोन कर सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर होगा, मैं कभी भी आपसे जुड़ जाऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।